अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज़ और आज हम स्टार्ट करते हैं ऑटो कैड 2015 में लेसन नंबर 117। और आज के इस लेसन में हम एक 16 नंबर मैकेनिकल इक्विपमेंट ड्रॉ करेंगे। और आज के इस लेसन में हम देखेंगे कि हाउ टू मेक बुक रैक इन मैकेनिकल ऑब्जेक्ट। किसी भी मैकेनिकल ऑब्जेक्ट में आप बुक रैक कैसे बनाते हो, और इस ऑब्जेक्ट में हम डिफरेंट कमांड का यूज़ करेंगे, जैसे कि सर्कल। उसके अलावा हम व्यूज़ वगैरह को भी देखेंगे कि इसमें व्यूज़ आप कैसे यूज़ करते हैं। तो कौन सा ऑब्जेक्ट ड्रॉ करेंगे वो भी आपको बताता चलूँ। तो आप ये वाला ऑब्जेक्ट हमारे पास, इस पर डिस्कस करेंगे कैसे हमने ड्रॉ किया और किस तरह हमने बनाया, तो इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। ओके, तो इसके लिए मैं ऑटोकैड को ओपन करता हूँ। सबसे पहले लाइन लेता हूँ, एल एंटर करता हूँ, 40 की लाइन ले लेता हूँ, ओ एंटर ऑफसेट देता हूँ इसको 15 का। अब यहाँ से सेंटर एक मैं सर्कल ड्रॉ करता हूँ, और सर्कल कौन सा है, 2P, 2 पॉइंट सर्कल में ड्रॉ करता हूँ। यहाँ से भी सी एंटर एंड 2P, ट्रिम के लिए TR, डबल इंटर, ओके। अब मैंने जो काम करना है वो क्या है जी, एल इंटर करता हूँ। तो मैंने ये 40 की ली थी, तो मैं इसको ओ एंटर, बल्कि एक और काम करता हूँ, पहले सी एंटर करता हूँ, इस कॉर्नर से सर्कल है 3 का देता हूँ, और यहाँ से भी जो सर्कल है उसको भी 3 देता हूँ। और अब मैं इस यहाँ पे ओ एंटर करूँगा, ऑफसेट देता हूँ यहाँ से ओ एंटर, और यहाँ से जो मैं ऑफसेट दूंगा वो मैं इसको देता हूँ जी 2 एंटर। ओके, अब यहाँ से ओ एंटर करता हूँ और ओ एंटर 12 एंटर करके देखता हूँ कहाँ तक जाएगा। ओके, ओ एंटर 6, ओके, बीच के ये जो है इनको जिसको डिलीट करता हूँ, ट्रिम TR, डबल इंटर, इस एरिया को ट्रिम करता हूँ, इस एरिया को ट्रिम करता हूँ, ट्रिम करता हूँ और ट्रिम करता हूँ, ओके। तो ये हमारे पास बन गया। ओके, अब मैं देखता हूँ प्रेस पुल कमांड गैस, ओके, अप्लाई हो रही है इस पर। ओके, अब मैंने यहाँ पे क्या करना है, इसको 3D व्यू में यहाँ से लेके जाता हूँ, SWS मैट्रिक व्यू में लेके जाता हूँ, और इसको मैं यहाँ से मूव करूँगा इस सारे को। कितना करना है जी, मैं इसको 3, ओके। और अब मैंने सिर्फ इस एरिया को, अब मैंने वो करना है मूव सिर्फ इसको, प्रेस पुल कमांड यूज करता हूँ। ओके, और इसको मैं यहाँ से मूव करता हूँ तकरीबन 20। कंट्रोल जेड, एक और काम करता हूँ, इन दोनों को मूव करता हूँ 20 तक, इसको भी 20 या 15 तक, और इसको भी 15। अब मैं यहाँ से इलास्टिक व्यू में आके देखता हूँ इसको, सही है।
अब जो काम करना है वो ये है कि इनको अब राउंड भी करना है यहाँ से। तो राउंड करने के लिए जो मैं काम करूँगा वो क्या है जी, मैं यहाँ से फिलेट कमांड यूज़ करता हूँ, एफ इंटर, और मैं फिलेट को करना चाह रहा हूँ जी 5 5 तक फिलेट करना चाह रहा हूँ, सॉरी एफ इंटर, हेड को सेलेक्ट करें, हेड को सेलेक्ट किया और इसको कितना करना चाह रहा हूँ जी 5 एंटर करता हूँ। कह रहा है और भी कोई हेड सेलेक्ट करना चाह रहे हैं, यस इन सब हेड्स को मैं सिलेक्ट करता हूँ, बल्कि पहले इन दोनों को करके एंटर करता हूँ। तो एक गलती हो गई कि हमने इसको डिस्टेंस कम दी है, प्रेस पुल कमांड यूज़ करके इसको मैं थोड़ा बढ़ाता हूँ, 10 करता हूँ, 8 किया था मैंने 12। एफ इंटर, क्या हो गया? ट्वेंटी एफ इंटर, 5 इंटर, ओके एफ इंटर, 5 इंटर, ओके यहाँ तक ये ठीक है। और अब मैं यहाँ से एक और काम करूँगा, इसको यहाँ से लेफ्ट राइट में ले आता हूँ, सेंटर सी एंटर करता हूँ सर्कल, यहाँ से नहीं, ये सेंटर है इसका, थ्री एंटर, ओके दोबारा अपने व्यू में जाता हूँ, इसको प्रेस पुल कमांड से मूव करता हूँ और यहाँ से इसको मूव करता हूँ और यहाँ तक, ओके थ्री, ओके यहाँ पे इसको बनाने के बजाय मैं इसको इस तरह करता हूँ कि इसी को कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि इसको फिर सर्कल देना पड़ेगा, तो इसके लिए मैं इसको मूव कॉपी करता हूँ, सी पी एंटर, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, राइट क्लिक और इसको यहाँ से उठाता हूँ इस कॉर्नर से, ओके तो आपका ऑब्जेक्ट रेडी हो गया जी, देख सकते हैं। और इससे मैं यहाँ से ये लॉस्टिक में ला के आपको बताता हूँ, देखें आपका ऑब्जेक्ट रेडी हो गया। तो इंशाल्लाह आप नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं, और उम्मीद करता हूँ आपको इस लेसन की समझ आई होगी। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन मिलेंगे, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और इसी ऑब्जेक्ट को अगर आप कंप्लीट करना चाह रहे हो तो आप यहाँ से देखिए सॉलिड यूनियन पे क्लिक करके तो सेलेक्ट करें, और ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन मिलते हैं, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा, खुदा हाफिज़।